नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IFC नॉलेज में। दोस्तों, मौसम विभाग की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया आंधी तूफान और बारिश को लेकर। दोस्तों, मानसून अब सक्रिय हो चुका है और मानसून के कारण बारिश भी आ रही है। लेकिन दोस्तों, लोगों ने सोचा था कि बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन वहां पर काफी बारिश हो रही है और कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात है। आप यहां पे देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश, कई जिलों में बाढ़, चंपावत लोहाघाट में बारिश और ओलावृष्टि। वहीं दोस्तों, अगर आप तूफान का हाल देखें तो यहां पे अभी अभी जी न्यूज ने 2 घंटे पहले खबर प्रकाशित करी है, यूपी में तूफान ने फिर मचाई तबाही, 14 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स हैं, कहां कहां पर आंधी तूफान बारिश की संभावना है, इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहे दोस्तों हमारी वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल IFC नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा वो भी दबा लीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप किसी भी जानकारी भरी वीडियो से वंचित नहीं रह पाएंगे, हर न्यूज से अलर्ट और अपडेट रहेंगे। और दोस्तों, आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहां पर अपने राज्य का नाम जल्दी से लिख दीजिए, अगर आप बन जाते हैं लकी तो हम आपको देंगे एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर जी न्यूज ने अभी भी खबर प्रकाशित करी है, यूपी में तूफान ने फिर मचाई तबाही, 14 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वहीं NDTV की खबर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आज फिर तूफान आने की आशंका है। तो दोस्तों, बताते हैं क्या है पूरी खबर, आप देखते रहिए हमारे वीडियो को। तो मौसम विभाग ने बदलते त्योहारों से उत्तर प्रदेश के लिए एक बार फिर चेतावनी जारी कर दी है। गुरुवार 14 जून को अगले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश में तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। प्रदेश में 13 जून को आंधी और गर्मी के कारण 14 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में आए तूफान ने एक बार फिर तबाही मचाई। आपको बता दें, मौसम विभाग ने 13 जून को तेज आंधी तूफान की आशंका जताई थी। मौसम विभाग ने गुरुवार 14 जून को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में आंधी तूफान की संभावना जताई है। हालांकि देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्से में सक्रिय चक्रवाती दबावों के चलते मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं दोस्तों, आने वाले समय में मौसम विभाग ने राजस्थान, यूपी, दिल्ली के लिए चेतावनी जारी की है। आने वाले समय में यहां पर तूफान और बारिश आ सकती है।